सो हेलो मेरे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको व्हाट्सअप का एक ऐसा कूल फीचर बताने वाला हूं जो कि व्हाट्सअप ने फ़िलहाल ही इसको अपडेट किया है। और दोस्तों, ये बहुत ही कमाल का फीचर है, मुझे तो बहुत ही कमाल का लगा और आपको भी इसके बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। यदि आपको कोई फ़ोटो किसी को सेंड करना होता है और आप उसको गूगल से डाउनलोड करते हो और फिर उसे अपनी गैलरी में डाउनलोड करने के बाद उसे सामने वाले को सेंड करते हो, तो दोस्तों अब आपको उसको डाउनलोड नहीं करना है, आपको वहाँ से उसको कॉपी करना है और सिंपल से उसको सेंड कर देना है। तो दोस्तों, आप किस तरीके से करोगे आइए जानते हैं। उससे पहले दोस्तों, आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं अपने क्रोम ब्राउज़र के अंदर जाता हूँ। मान लीजिए दोस्तों, मुझे अपने दोस्त को ये वाली फ़ोटो भेजनी है, तो दोस्तों मुझे इसको पहले डाउनलोड करना होता था और फिर मुझे अपनी गैलरी में से इसको सेंड करना होता था। लेकिन दोस्तों, अब ऐसा नहीं है, अब सिंपल से आपको इस पर टैप एंड होल्ड रखना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा कॉपी इमेज, इस पर आपको क्लिक करना है। अब दोस्तों, आपको इसको डाउनलोड नहीं करना है और सिंपल से अपनी व्हाट्सएप के अंदर जाना है। यहाँ पर मैं अपनी व्हाट्सएप के अंदर आ जाता हूँ और मान लीजिए दोस्तों, मुझे इस बंदे को ये फ़ोटो भेजनी है, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरी कीपैड में ऊपर ही ये फ़ोटो आ चुकी है, इस पर मैं सिंपल से क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं इसको सेंड कर दूँगा। आप देख सकते हो मैंने इस फ़ोटो को डाउनलोड भी नहीं किया, ये मेरी गैलरी में भी नहीं गई और मैंने इसको वहाँ से कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया और मेरे दोस्त को ये फ़ोटो चली गई। तो इस तरीके से दोस्तों, आप किसी भी फ़ोटो को बिना डाउनलोड किए गूगल से ही आप उसको कॉपी करके किसी सामने वाले बंदे को पेस्ट कर सकते हो, उसको सेंड कर सकते हो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में यही थी छोटी सी जानकारी। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।